अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा YouTube चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने सर्च बार पर जाकर @IIMTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी जिसका नाम था काइनेमैटिक्स। उसकी दो टर्म्स थी, रेस्ट एंड मोशन, के बारे में बात की थी और मैंने आपसे वादा किया था इंशाल्लाह हम मोशन को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो आज दिन वही है जहां पर हम मोशन की कुछ टाइप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी जाके उसे एक बार विजिट कर लेना और उसे वॉच कर लेना। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन की कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में तीन टाइप्स के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरी आपके पास रोटेशनरी मोशन है और तीसरी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये तीन टाइप्स जो कि बहुत अहमियत के हामिल है, इनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है, इसकी भी आगे से कोई टाइप्स होती है कि नहीं होती, इसकी एग्जाम्पल्स के बारे में कुछ आपको डिस्कस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मोशन की सबसे पहली टाइप जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, आपकी बुक पे डेफिनेशन बहुत ही वाजह तौर पर लिखी हुई है और आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी। ट्रांसलेटरी दरअसल ट्रांस लव से निकला है, ट्रांस लव का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो ऐसा मोशन, बॉडी जब ऐसा मोशन परफॉर्म करती है कि वो बगैर रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द घूमे बगैर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर कर जाए, तो हम उसे ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे से तीन टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे पहले लीनियर मोशन आता है। लीनियर मोशन क्या है, अगर एक बॉडी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में सफर कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मोशन करती है, मूवमेंट शो करती है, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन का नाम देते हैं। जैसे आपके पास एक हवाई जहाज होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो जब आसमान में उड़ा होता है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में उड़ा होता है, उसकी मूवमेंट मोशन जो होती है एक ही डायरेक्शन में होती है और वो बिल्कुल सीधा एक ही लकीर पर जा रहा होता है, तो वो भी आपके पास एक लीनियर मोशन की बहुत ही अच्छी मिसाल है। इसके अलावा आप जीटी रोड पर जा रहे हो तो आप कार आप देखेंगे जीटी रोड बिल्कुल स्ट्रेट, कई ऐसे भी रोड होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो आप खुद कार चला के देखने तो आपको यही लगेगा मैं बिल्कुल सीधा ही जा रहा हूँ, तो वाकई में आप सीधा जा रहे हो। उस जो सीधा आप जा रहे हैं उस मोशन को, इन स्ट्रेट लाइन यू आर मूविंग, तो उस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन का नाम देते हैं। तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन भी आपकी स्क्रीन के सामने वाजा हो रही होगी, तो उसे अच्छी तरह से आपने देख लेना है कि ऐसी बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लोंगा स्ट्रेट लाइन मूव करती है, तो उसे हम लीनियर मोशन का उसके मोशन को हम लीनियर मोशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो मोशन की टाइप है, इस मोशन की टाइप हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में जिक्र कर रहे थे। इस ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप, अगर एक बॉडी मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसे हम फिर सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। तो सर्कुलर मोशन में आपके पास बहुत सी मिसालें आ जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास टॉय ट्रेन होती है एक, जिसकी पटरी के आखिरी दो सिरे आपस में जुड़े होते हैं, वो एक सर्कल बना देते हैं और उस पे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी ट्रेन को रन करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक सर्कल में घूमती है, क्लोज पाथ में घूमती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो ये टाइप आपके पास सर्कुलर मोशन की आ जाती है। इसके अलावा जी ट्रांसलेटरी मोशन की जो लास्ट टाइप हमें नजर आती है, लास्ट किस्म है, उसको हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। रैंडम मोशन क्या होता है, इररेगुलर मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं, यानी जिसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी फिक्स डायरेक्शन कि वो सर्कुलेट करती रहेगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अगर स्ट्रेट लाइन में देखा तो बिल्कुल सीधी जाएगी, उसकी भी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी थी, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का नाम दिया। लेकिन रैंडम मोशन या रैंडम से ही निकला कि इररेगुलर होना, तो वो बॉडी जो इररेगुलर मोशन इररेगुलर मूवमेंट को शो करती है, परफॉर्म करती है, तो उसे हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। फर्ज करें आपके पास मक्खियां, इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, खासकर आप खुद अपनी डेली लाइफ में देखेंगे, आपके पास अगर मॉस्किटो आ जाए तो वो क्या करता है कि वो रैंडम मोशन करता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पहली टाइप मोशन की जिसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दिया। तो इसमें हमने तीन टाइप्स को पढ़ा, वो तीन टाइप कौन सी थी, वो तीन टाइप्स थी, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन, फिर हमारे पास दूसरी टाइप आई रैंडम मोशन, तीसरी टाइप हमारे पास थी जी सर्कुलर मोशन। अब हम अपनी मोशन की दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, मोशन की दूसरी टाइप जिसका नाम है रोटेशनरी मोशन। अब रोटेशनरी मोशन क्या है जी, रोटेशनरी मोशन रोटेट लफ्ज से एक ड्राइव हुआ है कि अगर एक बॉडी रोटेट करती है अपनी मीन पोजिशन के गिर्द। अब मीन पोजिशन कौन सी होती है, जिसके साथ वो फिक्स होती है। फर्ज करें आपके आप बच्चे आपने गलियों में देखे होंगे कि उन्होंने एक स्पिनर पकड़ा होता है, स्पिनर क्या जी उसके नीचे फिंगर रखते हैं और उसे घुमाना शुरू करते हैं, और बॉडी मूव भी करती है लेकिन अपनी जगह भी चेंज नहीं करती, मूवमेंट भी शो कर रही है,
तो अपनी जगह भी नहीं चेंज कर रही, और जिसके ऊपर या जिसके गिर्द वो मूवमेंट शो कर रही है, जिसके गिर्द वो मूवमेंट परफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, वो उसकी मीन पोजीशन या उसका एक्सिस आप कह सकते हैं उसे। तो अगर बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूवमेंट शो करती है, मोशन परफॉर्म करती है, तो उसे हम रोटेशनरी मोशन का नाम देते हैं। अगर आपको इस एग्जाम्पल की समझ नहीं आई तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे आप कार में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो या कार में बैठे हो, कोई भी कार ले लें आप, तो आपने देखा उसका जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग क्या करता है, मूव करता है। अब स्टीयरिंग मूव तो कर रहा है लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। स्टीयरिंग मूव तो करता है, कभी लेफ्ट आप मूव कर लेते हो, कभी राइट कर लेते हो, कभी मुकम्मल तौर पर उसको मूव कर देते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो वो क्या होता है, वो मोशन तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसकी जो फिक्स पोजीशन है जिस पर वो फिट किया हुआ है, उस वो वहां से चेंज नहीं होता, वहां से हिलता नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। तो वो क्या है, वो उसकी मेन पोजीशन है। तो इस आपके रोटेशनरी मोशन की डेफिनेशन यही है कि अगर एक बॉडी मोशन परफॉर्म करती है अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड, अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन, या फिर आप कह सकते हैं मेन पोजीशन, या फिर आप कह सकते हैं एक्सिस, तो वो मोशन कहलाएगा रोटेशनरी मोशन। नेक्स्ट, उम्मीद है आपको रोटेशनरी मोशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप आती है मोशन की, वो है जी वाइब्रेटरी मोशन। ऐसा मोशन जो किसी बॉडी की मीन पोजीशन के गिर्द या अबाउट उसकी मीन पोजीशन ट्रू एंड फ्रू मोशन करता है, या फिर आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं आगे और पीछे या दाएं और बाएं मोशन करता है, तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं या वाइब्रेशन का नाम देते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने भी उसकी डेफिनेशन आ रही होगी कि द ट्रू एंड फ्रू मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन या इट्स फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। अब आपकी बुक में दो तीन चीजों की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे आपके पास पेंडुलम आ जाता है, एक सीसा आ जाता है, सीसा झूला है जिसमें दो बच्चे बैठे होते हैं, आपने अक्सर पार्क्स में देखा होगा कि दो बच्चे एक दूसरी साइड पे बैठा होता है एक दूसरी साइड पे, और वो जो कर वो वाइब्रेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है जो झूला होता है, उसे सीसा झूला कहते हैं। इसके अलावा जी और भी बहुत सी मिसालें हैं वाइब्रेशन की, कि एक जैसे आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है, वो भी एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स हुआ होता है और दूसरा पॉइंट आप जहां मर्जी ले जाएं और वो वापस आता है और वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, वाइब्रेशन शो करता है। इसके अलावा जब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको और भी बहुत सी मिसालें मिलेंगी वाइब्रेटरी मोशन की। तो उम्मीद है आपको वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन की समझ आ गई होगी। तो चलिए जी हम देखते हैं कि इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कहा टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहली जो टाइप है उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, दूसरी के बारे में कहा इसे रोटेशनरी मोशन कहते हैं, और तीसरी के बारे में हमने कहा कि इसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या था, कि अगर कोई बॉडी रोटेशन बगैर रोटेशन की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रेवल कर जाती है, अपनी मेन पोजीशन चेंज कर अपनी एक ओरिजिन चेंज करके दूसरी पोजीशन पर चली जाती है, तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। तो उस ट्रांसलेटरी मोशन की भी हमने तीन टाइप्स पढ़ी, सबसे पहले लीनियर मोशन, फिर हमने रैंडम मोशन, फिर हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। रैंडम मोशन में हमने कहा कि बॉडी इरेगुलर मोशन परफॉर्म करती है, इरेगुलर मूवमेंट करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ट्रांसलेटरी वो हमारे पास नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट जो इसकी तीसरी टाइप थी वो थी जी हमारे पास लीनियर मोशन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसे हम लीनियर मोशन का नाम देते हैं। उसके बाद मोशन की जो दूसरी टाइप थी वो थी हमारे पास रोटेशनरी मोशन। रोटेशनरी मोशन में हमने बताया कि अगर बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है या अपनी मीन पोजीशन के गिर्द रोटेट करती है, तो उसे हम कहते हैं जी ये रोटेशनरी मोशन है। इसकी जो एग्जांपल थी मैंने आपको स्टीयरिंग की भी दी, इसके अलावा इसकी एग्जांपल में आपके पास टायर भी आ जाते हैं, वो भी अपने एक्सल के गिर्द रोटेट करते हैं। इसके अलावा और भी मैंने एग्जांपल्स दी। जो नेक्स्ट हमारे पास और आखिरी हमारे पास टाइप थी मोशन की, वो थी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में मैंने बताया कि अगर बॉडी अपने मीन पोजीशन के गिर्द ट्रू एंड फ्रू मोशन करती है, जैसे मैंने पेंडुलम की मिसाल दी और सीसा झूले की मिसाल दी, कि वो ट्रू एंड फ्रू मोशन करते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है, तो आप उसे वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले नई इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।